हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एक और वीडियो में। और इस वीडियो में और मे बी इसके कंटिन्यूएशन में हम सीखने की कोशिश करेंगे एक टॉपिक नोन एज पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। तो इसमें कहानी क्या होती है कि एक टैंक या सिस्टर्न मेंशन किया जाता है और बोलते हैं एक या दो पाइप उसको भर रही है, एक और पाइप उसको खाली कर रही है। तो कितना टाइम लगेगा भरने में, कितना टाइम लगेगा खाली होने में, एक्सेट्रा। तो एक बेसिक एग्जांपल लेके चलेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि स्टोरी का मतलब क्या है। दूसरी बात ये नोटिस करने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो ये आइडेंटिकल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं जो हमने टाइम एंड वर्क में किया था। तो ये वीडियो करने से पहले इम्पॉर्टेंट है, अगर एडवाइजेबल है कि आप पहले टाइम एंड वर्क कर लें, उससे और भी एडवाइजेबल है कि आप रेशियो से स्टार्ट करते हुए आएँ ताकि वो आइडियाज़ बहुत रिपीट हो चुके हों। या फिर ये टॉपिक समझने के बाद आप टाइम एंड वर्क करके देखिए और आपको दिखेगा सेम लॉजिक लग रही है। पॉइंट बीइंग, ये मैथ्स के टॉपिक्स को ज़्यादा चैप्टर में डिवाइड करने के बजाय बेसिक ऑपरेशंस को सीखना शुरू करिए, ट्रांसलेट अच्छे से करना शुरू करिए, सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप चैप्टर्स में बांटेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लिए काम बढ़ा रहे हैं बेसिकली मेंटली। ओवरऑल आप देखेंगे रेशियो के पहले चैप्टर से लेकर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के आखिरी चैप्टर तक सेम ऑपरेशंस बार बार रिपीट होते हैं। होपफुली ये एग्जांपल लेके क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक टैंक है और उसको पाइप ए 5 आवर्स में भर सकती है और पाइप बी जो है वो उसको 6 आवर्स में भर सकती है। तो सबसे पहले तो मन में क्लियर होना चाहिए कि अच्छा स्टोरी क्या है। कोई तो टैंक है, बाल्टी है, वेसल है, सिस्टर्न की बात हो रही है और एक पाइप उसमें पानी डाल रही है और कह रहा है 5 आवर्स। मतलब अगर टैंक खाली होगा और पानी मैं शुरू करूं तो भरते 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 उसे कितना टाइम लगेगा? ओवरऑल 5 आवर्स लगेंगे। यहाँ तो 3 सेकंड में ही भर गया बट ये सिर्फ विजुअलाइजेशन है। तो ये सोचिए कि 5 घंटे में इसको धीरे धीरे करके भरेगा। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए। सेम स्टोरी इसके साथ हो रही है, मतलब टैंक जब खाली होगा तो ये पाइप उसको 6 घंटे में खाली से पूरा भर देगी। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा लिख लेते हैं कि ये टाइम है और एक क्या कर लेते हैं, कैपेसिटी के बारे में सोचते हैं कि टैंक है भाई, बाल्टी होती है तो उसका कोई साइज होता है ना। टैंक होता है तो बड़े टैंक होते हैं, 10,000 लीटर के होते हैं, 1,000 लीटर के होते हैं, 5 लीटर की बाल्टी होती है, 0.5 लीटर का मग होता है, तो क्या कैपेसिटी है उसकी। और कैपेसिटी तो मेंशन किसी भी क्वेश्चन में नहीं करी होती है, नहीं बताते हैं कि टैंक कितना बड़ा है कितना छोटा है, इतना ही बता देते हैं। ये कहानी तो वैसे ही है कि ए और बी मिलके काम कर रहे हैं और काम क्या है इस बार, पानी भरने का। तो मैं 1 मिनट के लिए फिर से एलसीएम ले लेता हूं, एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होगा तो मुझे क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। तो कहानी फिर से वही हो गई, टाइम रेट एंड वर्क की। इसलिए वो पोल में सवाल था कि ये वीडियो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पॉइंट ये नहीं था कि नहीं बनना चाहिए, पॉइंट ये था कि शायद कुछ लोगों को समझ में आ जाए कि अच्छा ये तो वही चीज़ हो रही है जो टाइम एंड वर्क में हो रही है। और ये इसमें बड़ी बात ये है कि एक बार अगर ये समझ में आएगा कि अच्छा सेम टॉपिक है तो आपको ये कनेक्शन बहुत सारे टॉपिक्स में देखेगा कि अच्छा सेम बात रिपीट हो रही है बार बार। और अगर ये मैंने निकाल लिया इसका क्या मतलब है, सोचिए 30 लीटर्स है, मतलब 30 लीटर्स का आप सोचिए टैंक है, बाल्टी है, जो भी है, तो इसका क्या मतलब हुआ 5 आवर्स में 30 लीटर्स आता है। तो रेट क्या होगा इसका, 6 लीटर पर आवर। इसका रेट क्या होगा, 5 लीटर पर आवर। अगर आपने टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर कल किया था तो ये तो बिल्कुल ही सेम बात हो रही है। तो अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो इनका रेट क्या हो जाएगा, 11 लीटर पर आवर। मिलके काम करेंगे मतलब टैंक खाली था, पाइप ए और पाइप बी दोनों को ओपन किया साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों से पानी भरना शुरू हो गया, साथ में खुली हुई है पाइप्स, तो उनका रेट क्या हो जाएगा, 11, मतलब प्रति मिनट वो 11 लीटर टैंक में डालेंगे। कौन डालेंगे, दोनों मिलके, क्योंकि वो इंडिविजुअली 6 डालते हैं 5 डालते हैं तो मिलके 11 डालेंगे। तो वो 30 भरने में कितना टाइम लगेगा, वंस अगेन टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन रेट, रेट क्या है 11, तो आपको कितना टाइम लगेगा, 30/11 लगेगा। एंड जस्ट लाइक टाइम एंड वर्क, इसको मैं कोई भी नंबर लेके 30 की जगह 60 ले लेते, 120 ले लेते, 10 ले लेते, 12 ले लेते, आपका आंसर सेम ही आता।
और अगर नहीं लेते और बोलते कि अच्छा कैपेसिटी सी है तो भी यही लॉजिक लगती, रेट क्या हो जाता 1/5 ऑफ सी पर आर, इसका रेट क्या हो जाता 1/6 ऑफ सी पर आर, कंबाइंड रेट क्या हो जाता 1/5 प्लस 1/6 पर आर। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और फिर सी को इस रेट से डिवाइड कर दीजिए, फिर से आंसर वही आएगा। यहाँ पे थोड़ा मुझे लगा कि जल्दी से निकल जा रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये टॉपिक करने से पहले ज़्यादातर लोगों ने टाइम एंड वर्क किया होगा, बिकॉज कंटिन्यूएशन में गाड़ी चल रही है। नहीं किया है और आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये क्या लिख दिया आड़ा तिरछा, तो वो एक और वीडियो में कवर्ड है स्लोली थोड़ा डिटेल में। तो आई होप हमको बेसिक लॉजिक समझ में आ रही है। वंस अगेन हमें दिख रहा है कि अगर हमने नंबर लिया तो हमें जल्दी समझ में आ रहा है कि अच्छा 30 का टैंक था, 5-6 लीटर प्रति आर इससे आ रहा था, 5 लीटर प्रति आर इससे आ रहा था, मिल के 11 आएगा, और कहानी एकदम वैसी की वैसी जो टाइम एंड वर्क में थी। तो अभी इसके साथ में और फिर चीज़ें खेल सकता हूँ, इसको इनलेट पाइप की बजाय आउटलेट पाइप बनाऊंगा तो क्या होगा। तो फिर से वही कहानी, पाइप ए है वो 5 आवर्स में भर सकती है टैंक को, और भर सकती है मतलब पाइप ए है, सोच लीजिए कि कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पे, और एक दूसरा टैंक में लीक है उसको नाम दे दीजिए बी, वो लीक टैंक को 6 आवर्स में खाली कर सकता है। तो पहले तो स्टोरी समझ में आनी चाहिए, इस कहानी में टैंक अगर खाली हो, बाल्टी खाली हो, तो ये पाइप उसको 5 आवर्स में भर देगी। और इसका क्या मतलब है, लीक का क्या मतलब है कि अगर टैंक फुल हो तो वो उसे 6 आवर में खाली कर देगी। दोनों बातें आइडेंटिकल हैं एक्सेप्ट द टाइम डिफरेंस, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू का चेंज है, एक में पानी आ रहा है एक में जा रहा है, राइट। तो अगेन ये सब सोचने से पहले वंस अगेन मैं थोड़ा कैपेसिटी के बारे में सोचता हूँ। कैपेसिटी में सोच लेता हूँ कि 30 है, 30 क्या है इसमें तो और भी आसान है, 30 लीटर्स है, तो रेट क्या हो जाएगा इसका 6 लीटर्स पर आर, और इसको मैं बोलता हूँ प्लस बिकॉज अंदर आ रहा है। अगर मैं टैंक की सोचूं तो ये इनपुट है तो इसको मैं प्लस सोचता हूँ। ये लीक था, इसका रेट आ रहा है 5 लीटर्स पर आर, बट ये पानी बाहर जा रहा है। अगर दोनों सेम टाइम पे खुले हों तो क्या हो रहा है, 6 आर आए एक मिनट में या 1 आर में, और 5 चला जा रहा है, तो बचेगा कितना पर आर, 1। यहाँ पे भी देखना चाहिए, 6-5 करूंगा तो 1 लीटर पर आर मिलेगा। मतलब एक पाइप पानी डाल रही है, दूसरा पाइप पानी निकाल रही है, ओवरऑल क्या है आपको अभी भी पॉजिटिव 1 मिल रहा है कि 1 लीटर पर आर के हिसाब से पानी आएगा। वैसे तो 6 आ रहा है बट बिकॉज 5 चला जा रहा है, ओवरऑल हर घंटे में सिर्फ 1 आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि टैंक खाली था और दोनों पाइप को खोल दिया, इनकमिंग भी आउटगोइंग भी, क्या मतलब है 6 आ रहा है 5 जा रहा है, 1 बचेगा हर घंटे में, तो 30 भरने में कितना टाइम लगेगा, 30 डिवाइडेड बाय 1 लीटर। वंस अगेन वर्क बाय रेट, तो ऑपरेशन तो वैसा का वैसा ही है, टाइम एंड वर्क के कंपैरिजन में नया क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे वो साइमल्टेनियसली पॉजिटिव और नेगेटिव काम भी हो सकते हैं, एक पाइप बाहर ले जाने का काम कर सकती है। तो आई होप ये बेसिक आइडिया भी समझ में आ रहा है कि लीक का क्या मतलब है, टैंक को एम्प्टी करने का क्या मतलब है। इसी पे एक फटाफट एग्जांपल बना लेते हैं, देखते हैं स्टोरी के साथ कंफर्ट बनाने के लिए, कि एक पाइप है वो टैंक को 10 घंटे में भर सकती है, दूसरी पाइप है वो टैंक को 12 घंटे में भर सकती है, तीसरी पाइप है, और मैं माइनस लिख देता हूँ उसके सामने दिखाने के लिए कि वो लीक है, आप अपने लिए अपना सिंबल बना सकते हैं, वो टैंक को 15 आवर्स में ख़त्म कर सकती है, खाली कर सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या दी है, टाइम दी है। वंस अगेन सबसे पहले तो एलसीएम ले लीजिए, मैं एलसीएम लेता हूँ 60 लीटर्स, तो इससे देखते ही मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा टैंक में 60 लीटर भरने थे। अगेन पॉइंटर की 60 जरूरी नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते थे, बट पहले नंबर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कहानी। तो रेट क्या हो जाएगा, 6 लीटर्स पर आर, इसका रेट क्या हो जाएगा 5 लीटर्स पर आर, इसका रेट क्या हो जाएगा 4 लीटर्स पर आर। बट अगेन एक ध्यान और रखना है यहाँ पे, इस बार ये दोनों पॉजिटिव हैं ये नेगेटिव है, क्योंकि मैंने बोला था कि ये पानी बाहर जा रहा है। अब मैं आपको बोलता हूँ, नया थोड़ा डाल देता हूँ कि टैंक आधा फुल था जब हमने स्टोरी स्टार्ट करी और हमने तीनों पाइप खोल दी, मतलब 2 पाइप पानी अंदर दे रही है और 1 पाइप पानी बाहर ले जा रही है, क्या होगा, 11 पानी आ रहा है पर आर,
और चार बाहर जा रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा? 7 liters पर आवर। ये आपका रेट निकल आया अगर तीनों पाइप साथ में खुली हुई हो, 7 liters पर आवर। अब आपको काम क्या करना है? आपने बोला टैंक आधा तो पहले ही भरा हुआ था, मतलब आधा ही भरना है। आपके लिए टैंक कितना था? 60 liters का। आधा भरा हुआ है मतलब 30 liters तो पहले ही से था। कितना और भरना है? ये 30 भरना है। कितना टाइम लगेगा? 7 liters पर आवर लगेगा। सो 30/7, 30 liters डिवाइडेड बाय 7 liters पर आवर करेंगे तो आवर्स में आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा नया क्या हुआ, एक तो तीन पाइप आ गई और दूसरा मैंने बोला कि जब कहानी स्टार्ट करी तो ये टैंक आधा भरा हुआ था। तो हमारा देखेंगे कि फंडामेंटल फ्रेमवर्क फाउंडेशन तो यही है, बाकी मैं बार बार वही कर रहा हूँ जो क्वेश्चन कह रहा है मेरी डेटा के साथ। क्वेश्चन ने कहा आधा, मेरे डेटा सोचा था कि 60 है, 60 का आधा 30 हो जाएगा। तो आई होप हमको ये आइडिया, बेसिक आइडिया प्लस ये स्टोरी के हिसाब से घुमा फिरा करना, जो हमें स्टोरी ही बताएगी क्या करना है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आइडिया थोड़े क्लियर हो रहे हैं। तो एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। एक पाइप ए है, उसे टैंक को भरने में 8 आवर्स लगते हैं अपने आप से, बट क्योंकि टैंक में एक लीक था एक पर्टिकुलर डे, उसे टैंक को भरने में 12 आवर्स लगे। तो पहले तो कहानी को समझ लीजिए, एक पाइप है जो टैंक को 8 आवर्स में भर सकती है। दूसरा बताया कि लेकिन एक पर्टिकुलर डे पे जब हमने पाइप ऑन करी तो टैंक को भरने में 12 घंटे लगे। तो सबसे पहले तो देखना चाहिए था कि अच्छा 8 घंटे में काम हो जाता है लेकिन 12 घंटे लगे, ऐसा क्यों? क्योंकि लीक है। लीक है मतलब क्या है? पानी आ तो रहा है, थोड़ा पानी चला भी जा रहा है, तो अभी ज़्यादा टाइम लगेगा करने में। तो ये आइडिया क्लियर होना चाहिए। और अगेन, ज़्यादा बिना सोचे समझे पहले तो ट्राई करें, इसका एलसीएम ले लें या कोई एक नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, नहीं भी डिवाइड होता है तो भी ले सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इजी रखने के लिए 3 और ये 2। ये क्या है? ये 3 liter पर आर है, ये क्या है? 2 liter पर आर है। ये किसका रेट है? ये ए का रेट है माइनस लीक है, क्योंकि ये ए अकेला था, ये बी के साथ मिलके कर रहा है लेकिन बी पानी निकाले जा रहा है, तो इसलिए रेट कम हो गया। नहीं तो यही दिखना चाहिए था कि अच्छा ए तो 3 ला रहा है पानी हर आर में, और लेकिन ओवरऑल मैंने देखा फाइनल असली स्टोरी में उसे 12 घंटे लगे, तो मतलब हर घंटे में 2 ही आ रहा है ओवरऑल। क्यों 3 से 2 कम क्यों हो गया? बिकॉज 1 लीटर कोई निकाल रहा होगा प्रति आर। अब अगर आपका क्वेश्चन होता कि टैंक पूरा भरा हुआ है, उसको खाली करने में लीक को कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलते हैं अच्छा 24 लीटर का टैंक है, उसको खाली करना है, 1 लीटर पर आर निकल रहा है, कितने आवर्स लगेंगे? 24/1। तो यह आइडिया समझ में आना चाहिए। यहां पे चेंज कर देता, बोलता नहीं आधा टैंक को खाली करना था तो कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलते हैं कि आधा टैंक मतलब 12, क्योंकि मैंने 24 माना हुआ है, तो उसे कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स लगेंगे। तो यहां पे थोड़ा स्टोरी का बस डायरेक्शन चेंज किया था। एक और एग्जाम्पल, एक और बहुत कॉमन सी स्टोरी जो इसमें आएगी वो है कि टाइम चेंज हो रहा है, एक पाइप 8 बजे खुली, दूसरी पाइप 9 बजे खुली। सो देखते हैं पहले तो स्टोरी। एक पाइप ए है वो 10 घंटे में भर सकती है, पाइप बी है वो 12 घंटे में भर सकती है, पाइप सी है जो 15 घंटे में भर सकती है। तीनों पाइप भरने वाली है, और कहानी क्या है कि हमने 10 बजे पाइप ए को ओपन किया और 12 बजे हमने पाइप ए को क्लोज कर दिया और पाइप बी और पाइप सी को ओपन कर दिया। तो इतनी सी कहानी है, इसमें और भी स्टेप्स आएंगे, आपको जोड़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। 10 बजे हमने पाइप ए को खोला, 12 बजे पाइप ए को बंद कर दिया और पाइप बी और सी को खोल दिया। तो कोई बात नहीं, पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए, 60 liters का टैंक है तो रेट क्या है इसका? 6 liters पर आर। इसका रेट क्या है? 5 liters पर आर। इसका रेट क्या है? 4 liters पर आर। तो नॉर्मली क्या होता, पिछले चैप्टर में क्या होता, हमने बस ऐड कर दिया था, हमारा काम हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़े और स्टेप हैं। 10 बजे कहानी स्टार्ट हुई, 2 घंटे तक पाइप ए ने पानी भरा, पाइप ए भरती है 6 लीटर पर आर आपकी 60 वाली कहानी में,
पाइप ए भरती है 6 लीटर्स पर आवर, सो 10 से 2 के बीच में वो कितना भर देगी, 12 लीटर्स भर देगी। कैसे, 6 लीटर्स पर आवर इंटू 2 आवर्स करूंगा तो 12 मिलेगा। और अब ये पाइप बंद हो गई तो 60 में से 12 तो चला गया, तो बचा कितना हुआ है, 48 लीटर्स भरने का बचा हुआ है। अगेन 60 लीटर था, पाइप ए ने 12 लीटर भर दिया, बचा कितना है 48। इसको कौन भर रहा है अभी, पाइप बी और पाइप सी 12 बजे चालू हो गई है, पाइप ए तो गायब ही हो गई। अब पाइप बी और पाइप सी का रेट क्या है, 9 लीटर्स पर आवर है, तो उसे 48 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 48 डिवाइडेड बाय 9 लीटर्स पर आवर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो अपने को आवर में आंसर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के साथ भी कुछ खास तो नया नहीं हुआ, बेसिक ऑपरेशन वही चल रहा है, नया ये हुआ कि टाइम आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आपने अगर रेट निकाल लिया है तो उसको हैंडल करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो हमने सीखा, हमें दो चीज़ें देखने को मिली कि एक, पाइप्स एंड सिस्टम्स कुछ नया टॉपिक नहीं है, सेम एज टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क के चैप्टर में बोला था कि सेम एज रेशियोज है, तो एक मास्टर टिप ये रहेगी कि रेशियोज और परसेंटेज और वेरिएशन का आइडिया बहुत अच्छे से सीखें, बाकी काम आपका बार बार वही आइडियाज को अप्लाई करने वाला है। दूसरा, हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अभी हमने 5-6 क्वेश्चन देखे, बेसिक स्टोरी हमें समझ में आई अगर पहले नहीं आई थी, तो अब हमें ये आइडिया लेके कुछ क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए, बिकॉज जब तक हम ये खुद नहीं लगाएंगे डिफरेंट सिचुएशंस में, पहले तो 10 स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही होने चाहिए कि अच्छा मैंने रिपीट करा, रिपीट करने से थोड़ी स्पीड आएगी, कंफर्ट बढ़ेगा, फिर कोई नया क्वेश्चन मिलेगा उसमें अटकेंगे, आधा घंटा लगाएंगे, 40 मिनट लगाएंगे, एक दिन भी निकल जाए तो बहुत खुशी की बात है कि आप अटके और सोचा आपने, जल्दी से सोल्यूशन ना मांगे लोगों से, एक क्वेश्चन नहीं होता है उसको थोड़ा सोचें कि अच्छा क्यों नहीं हो रहा, कहाँ अटक गया है, मैथ्स का कानून तो बहुत सिंपल से है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लग रही है यहाँ पे। तो इन आइडियाज़ को साथ में कंबाइन करें, मतलब इसके साथ आप 10-15 सवाल प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चंस नीचे बहुत बेसिक लेवल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, ट्राई आउट करें, आंसर सबमिट करें, मेथड भी एक्सप्लेन करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम्स को सब मिला के, क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक ही टॉपिक था। तो आई होप आपको ये आइडिया समझ में आया और आपको ये टॉपिक्स के बीच में कनेक्शन भी दिख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सी यू सून।